हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं आई एम आल्सो अ वेरीफाइड एजुकेटर एट अन अकेडमी। तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फॉलो करने के लिए सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे सर्च करेंगे हेमंत मिश्रा, तो आपको मुझे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप SSC और रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कोर्स कवर हैं, करीब करीब सभी प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट पूरा कवर है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। देखिए, हम टॉप 150 मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम, जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है ALP का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला होने वाला है। तो इसके लिए हम पहले भी 2 से 3 लेसन ला चुके हैं, ये शायद में भी चौथा लेसन है, ठीक है। तो वो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। साथ में मैं एक टॉप 125 लेसन का पूरा कोर्स कवर कर चुका हूँ। वो कोर्स कहाँ पे कवर है वो अभी एक नेक्स्ट आपके सामने वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरा आपको डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम लॉस नहीं करूँगा। तो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन। देखिए, ये चार एक ही तरह के क्वेश्चन है, चार टाइप के, सब एक ही तरह से लगने वाले हैं और अलग अलग पूछे गए। जैसे 2003 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया। इनकी लाइनें चेंज है, सॉल्व एक ही तरह से होगा, देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% जैसे अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 20/100, और इसको काट के 1/5 आना चाहिए। ये चीज़ आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन बहुत ही तेजी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1/5 आया था, तो क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। तो जो नीचे है वो आपका क्या है, बी की आय है। तो बी की आय कितनी है, 5, और 5 में 1 रुपया जोड़ देंगे तो हमें ए की आय आ जाएगी, क्योंकि ए की आय जो है बी की आय से अधिक है। ओके, तो पूछ रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कंपेयर किससे कर रहा है, आपका ए से कर रहा है। ओके, तो देखिए, बी की आय ए से कितना कम है, 1 रुपये कम है, ठीक है। ए की आय कितनी है, 6, परसेंटेज निकालना है 100, इसको काटेंगे तो 50/3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। यहाँ पे बात भी वही हो रही है, 1/5 20% बराबर, और राम और श्याम दो लोग हैं, क्या राम और श्याम दो लोग हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। वहाँ पे अधिक की बात हो रही थी, यहाँ पे कम हो रही थी। तो अगर श्याम की आय 5 है तो राम की आय कितनी कम होगी, 1 कम होगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पूछा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो श्याम की आय कितनी ज़्यादा, 1, किससे कंपेयर करने के लिए पूछा है, राम से, तो 1/4 × 100, तो आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। तो 10% बराबर क्या होता है आपका, 10/100, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/10। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10%, तो अगर बी की ऊंचाई 10 है तो ए की ऊंचाई कितना है, 1 ज़्यादा है, 11 हो जाएगी, ठीक है। अगर बी की ऊंचाई 10 है तो ए की ऊंचाई 1 ज़्यादा, 11 हो जाएगी। तो पूछा क्या है आपका क्वेश्चन में, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, ये कितना कम है, 1 कम है, किस पे, 1/11 × 100, तो 100/11 हमारा आंसर होगा, 11 × 99, 100/11, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तुरंत लगा के नीचे तुरंत कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। पेट्रोल की कीमतें 10% कम हो गई हैं, एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ाए ताकि उसका पेट्रोल पर व्यय न घटे, ठीक है। मान लीजिए पहले 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था और एक उपभोक्ता हमेशा 1 लीटर पेट्रोल डलवाता था, ठीक है। वो गया एक दुकान पे, बोला 100 रुपये का नोट दिया, बोला भैया 1 लीटर पेट्रोल दे दो, ठीक है। तो दुकानदार ने बताया कि सर 10% कीमत घट गई है, मतलब अब आपको 90 रुपये का ही पेट्रोल मिल जाएगा 1 लीटर। तो ये आदमी बोलता है, नहीं भैया, हाँ, पंप को 100 रुपये का ही दे दो। तो कितना परसेंट बढ़ाएगा, वो 10 रुपये का और पेट्रोल देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात समझिए, 90 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 10 रुपए का और पेट्रोल ऐड करेगा किस पे? 90 रुपए पे। कितना परसेंट निकालना है? तो गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 100/9, इसको काटेंगे तो 11 सही, 1/9% का वो क्या कर लेगा? बढ़ोतरी कर लेगा अपने पेट्रोल पर। ठीक है, जैसे ये चीज़ अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा इसका चीनी वाला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए एक आदमी जो है 100 रुपए का 1 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है, चीनी की कीमत 10% बढ़ गई, 110 रुपए हो गई, ठीक है, लेकिन आपके पास 100 रुपए ही है। आप दुकानदार से क्या बोलोगे कि हमें तो 100 रुपए की कीमत की चीनी ही चाहिए? तो दुकानदार क्या करेगा, 10 रुपए की कीमत की चीनी निकाल लेगा। तो 10 रुपए कीमत की चीनी निकालेगा तो इस समय कितनी है? 110 रुपए किलो है। तो 10/110 अगर परसेंटेज में पूछ दे तो गुणे 100, तो इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो आपका 100/11 आपका कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे घट रही है तो इसलिए हमने 90 कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। सेम क्वेश्चन, यदि शंकु के आधार के त्रिज्या को घटाकर आधा समान ऊंचाई रखकर किया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत की कमी। अब यहाँ पे कुछ लोग फॉर्मूला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा देते हैं, लेकिन शंकु में तो इधर से उधर हो जाएगा फॉर्मूला, तो आप कभी भी फॉर्मूला मत लगाया कीजिए। जैसे पूछा है आयत की क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हम कुछ लंबाई चौड़ाई ऐसा मान लेते हैं कि जिससे हमारा जो है 100 पहुंच जाए, ठीक है। तो आयत को बराबर भी मान सकते हैं, इसको वर्ग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं लंबाई 10 था, चौड़ाई भी 10 थी। अब किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तो 10 का 20% कितना होगा? 2 होगा, तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तथा उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, 10 का 20% 2, तो घटा देंगे तो 8। अब क्षेत्रफल यहाँ पे क्या, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई 100, और यहाँ पे कितना है, 12/8 कितना होता है, तो ये कितना घट गया, 4 घट गया। चूंकि ये हम बेस 100 है तो यहाँ पे 4% आपका आंसर आ जाएगा। 4% जो है क्या होता है, कमता है या घटता है या कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप शंकु का भी सीधे लगा सकते हैं। यदि शंकु के आधार के त्रिज्या की बात करता है और इसके आयतन में प्रतिशत कमी क्या होगी ये पूछ रहा है, तो किसी शंकु का आयतन होता क्या, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। अब ध्यान से देखिए, 1/3 जो पाई का मान है ये तो कॉन्स्टेंट होगा, तो हमें किससे मतलब होगा, केवल r² h से मतलब है। ओके, अब हम कुछ मान लेते हैं कि यदि शंकु के आधार के त्रिज्या घटाकर आधा और समान ऊंचाई रखकर किया जाए, मान लेते हैं हम रेडियस 10 था शंकु का और हाइट भी 10 थी, मान लेते हैं, मानने में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे r² कितना हो जाएगा, 10 × 10, और हाइट कितनी हो जाएगी, 10 × 10, ये टोटल कितना हो गया आपका, 1000। 1/3 π तो कांस्टेंट रहेगा, दोनों में आएगा। अब क्या बोल रहा है, त्रिज्या को घटाकर आधा, मतलब अब नई त्रिज्या कितनी हो गई, 5 × 5, और समान ऊंचाई, ऊंचाई कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 25 और 10 में 250। तो इसके आयतन में प्रतिशत कमी क्या होगी, देखिए 1000 से 250 कितनी कमी हो गई, 750 की, किस पे, 1000 पे × 100, 0 0 कट गया और ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा आपका, 75% जो है आपका आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी और डी नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो 75% था, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक उसी तरह है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए πr², यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, हटा दीजिए, रेडियस हम मान लेते हैं 10 था, ठीक है, तो r² कितना हो जाएगा, 100। अब क्या बोला, गोले की त्रिज्या को दुगना कर दीजिए, अब रेडियस कितना हो गया, 20, तो r² कितना हो जाएगा, 20 × 20, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 20 × 20 कितना आ जाएगा, 400। तो ये कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया, किस पे, 100 पे, तो × 100%, तो 300% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आने वाले हैं, अगर आप इनको एक्स मान के फॉर्मूला से करेंगे तो आपको बहुत मेहनत लगने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा,
थोड़ा सा देखिए अभी मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मेथड पसंद आ रही कि नहीं, कि इसके साथ आप बेसिक मेथड भी चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दो तो मैं आज शाम तक इसके आगे का पूरा अपलोड कर दूंगा कि आपको बेसिक कमेंट बेसिक मेथड से भी चाहिए और ये दोनों मेथड एक साथ चाहिए, या इसी मेथड से मैं कंटिन्यू करूँ। मुझे फ़ायदा होगा अगर मैं इस मेथड से कंटिन्यू करता हूँ, आपको ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।